अंति पूरा कश्मीर में आज 130 बटालियन CRPF की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप के दौरान लोगों में मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप के साथ साथ मुफ्त अदवियात तकसीम की गई। इस मौके पर CRPF कमांडेंट हलाल फेरोज, डिप्टी कमांडेंट उमेश यादव, यूनिट के दिगर अफसरान के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के कई अफसरान भी कैंप में मौजूद हैं। मीडिया से बात करते हुए कमांडेंट हलाल फिरोज ने कहा कि CRPF हमेशा से लोगों की खिदमत करती रही हैं और इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए वो आगे भी लोगों की खिदमत करते रहेंगे। हमेशा से लोगों की खिदमत करती रही है और अमन का चिराग, खिदमत का चिराग लेके चलती रही है। इसी जिमन में आज 400 की मुकद्दस सरजमीन पे CRPF आई है खिदमत की उस रोशनी को लेकर, जहां हम लोगों के शाना बशाना हैं एक मजबूत 400 की तश्कील करने के लिए। हिफ्जान सेहत एक बहुत ही अहम मुद्दा है। गुरबा और मसाकीन को अद्वियात नहीं मिल पाती है, ना अच्छे डॉक्टरों की दस्तियाबी हासिल हो सकती है। इसी जिमन में जब 400 की आवाम ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ एक तिब्बी कैंप लगाएं ताकि लोग इससे इस्तफादा कर सकें, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए हैं लोगों की खिदमत, और बड़े पैमाने पे लोग शामिल हो रहे हैं जिनमें बच्चे, बूढ़े, गुरबा और मसाकीन हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा आगे भी लगाते रहेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे।